हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, चाहिए है मेरे पास आईटेल का एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन आईटेल A70। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स इस फ़ोन के अंदर दिया गया है। और गाइज, ये जो फ़ोन है 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज के साथ आता है। गाइज जी हाँ गाइज, ये जो फ़ोन है 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज के साथ आता है। फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट इस फ़ोन के अंदर दिया गया है और काफ़ी कम बजट वाला ये फ़ोन है। आप पीछे इसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, HD+ का डायनेमिक बार वाला डिस्प्ले है, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 8 MP फ्रंट कैमरा और 13 MP का आया है कैमरा दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी है। टाइप सी चार्जर आपको इस फोन के अंदर दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है ये। और इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन किया गया है 11,000 रुपये, लेकिन उससे भी काफ़ी कम बजट में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो आज इसी फ़ोन को मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और सभी कुछ डिटेल्स बताने वाला होगा इस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस, बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो बॉक्स खोलते ही हमें यहाँ पर पहले ही सेक्शन में फ़ोन देखने को मिलता है। उसके बाद बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पर एक सेफ्टी केस दिया गया है जो कि ब्लैक कलर में है। गाइस, बहुत ही ऑसम केस यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत केस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ब्लैक कलर में। ऐसे तो ट्रांसपेरेंट केस आता है लेकिन इसके साथ ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा केस दिया गया है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया गया है। उसके बाद ये एक 10 वॉट का आपको चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। टाइप सी का चार्जिंग है ये, चार्जिंग एडाप्टर 10 वॉट का आपको देखने को मिल जाएगा। एक टाइप सी का आपको केबल दिया गया है इस फ़ोन के साथ, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये केबल है। उसके बाद एक सिम रिजेक्टर पिन भी आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाएगा गाइस। तो यही सब आपको फ़ोन के बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए अभी फ़ोन का लुक्स आपको दिखाते हैं कि इसका लुक्स कैसा दिया गया है। काफ़ी कम बजट वाला ये फ़ोन है गाइस, आप देख सकते हैं। ये डिस्प्ले के ऊपर रैपर है और गाइस ये रहा है इसका लुक्स। आप देख सकते हैं बैक पैनल जो है काफ़ी अच्छा खासा फिनिशिंग दिया गया है और ये मेरे पास ब्लू कलर में अवेलेबल है। डुअल कैमरा सेटअप और एक फ्लैश यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी अच्छा लुक्स देख सकते हैं गाइस। एकदम सिंपल सा बैक पैनल दिया गया है, एक प्रीमियम लुक आप बोल सकते हैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत लुक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ब्लू कलर में इसका, और दो कलर भी आपको मिल जाएगा ब्लैक एंड ग्रीन कलर में। राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल, टाइप सी का पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन जैक आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको सिम रिजेक्टर दिया गया है जहाँ पर आप डुअल सिम उच्च मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और ऊपर के साइड में कुछ नहीं है। और गाइज, ये जो बैक कवर दिया गया है तो आप देख सकते हैं बैक कवर लगाने के बाद इसका जो लुक्स है और भी बदल जाता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है गाइज। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में ये कवर दिया गया है गाइज, काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। आपको एक्स्ट्रा करके परचेस नहीं करना पड़ेगा इसका बैक केस, ये मोबाइल के साथ में आपको फ्री में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लुक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है गाइज केस के साथ। तो चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का आपको HD+ डिस्प्ले मिल रहा है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर डिस्प्ले का क्वालिटी दिया गया है। वाटर ड्रॉप नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है जिसके वजह से आप मूवी वगैरह या फिर गेमिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा डिस्प्ले 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है गाइस, काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और काफ़ी कम बजट वाला ये फ़ोन है जिसमें आपको 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है गाइस। ये जिस प्राइस पॉइंट के अंदर आता है गाइस, उस प्राइस पॉइंट में 3 GB, 4 GB या फिर 2 GB रैम मिलता है, लेकिन ये जो फ़ोन है आपको 12 GB तक की रैम दिया दे रहा है और साथ ही साथ में 256 GB की स्टोरेज दिया गया है। T603 का आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, एंड्रॉयड 13, 4 GB प्लस 8 GB, यानी कि टोटल आपको 12 GB तक की रैम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे आप रैम इसका बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, ऐसे करके आप इसका रैम 12 GB कर सकते हैं। और 256 GB की आपको स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है। एक्स्ट्रा करके आपको मेमोरी इसमें डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5000 mAh की बैटरी इस फ़ोन के अंदर दी गई है और गाइस टाइप सी का आपको चार्जर मिलेगा। साथ ही साथ में इस फ़ोन के अंदर आपको डायनामिक फंक्शन दिया गया है जिसके वजह से अगर आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाएंगे या फिर आपको बैकग्राउंड कॉल, फेस लॉक, चार्जिंग एनिमेशन सभी कुछ, आपका जो वाटर ड्रॉप कैमरा है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो होगा, डायनेमिक बार आइकन यहाँ पर शो होगा जो पहले पहले आईफोन के अंदर दिया था, अभी सभी फ़ोनों में धीरे धीरे दे रहा है। तो वो भी फंक्शन आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा आईटेल A70 गाइज। इसका जो प्राइस है वो 10,000 से काफ़ी कम प्राइस में आपको लेके आ गया है। 12 GB रैम, 256 GB की स्टोरेज में गाइज, इस प्राइस के अंदर कोई भी कंपनी इस तरह का रैम और इस तरह का स्टोरेज नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आईटेल ही ये कर दिया है
गाइस आईटेल A70 में आपको 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज दिया गया है, जो कि 10,000 के कम के रेंज के अंदर मिलता है गाइस। बहुत ही बढ़िया ये डिवाइस। और कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिलेगा और बैक साइड में आपको 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 4x का जूम कैपेसिटी भी दिया गया है और काफ़ी अच्छा खासा कैमरा आप देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड, लो लाइट मोड, प्रो मोड और पेनोरामा HDR सभी मोड आपको इस कैमरे के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा दिया गया है, जिसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा खासा आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरे में भी आपको पोर्ट्रेट मोड, लो लाइट मोड और प्रो मोड, वाइड एंगल भी आपको फ्रंट कैमरे के अंदर दिए गए हैं, HDR मोड भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा खासा कैमरा प्रोवाइड किया गया है आईटेल के इस फ़ोन के अंदर, आईटेल A70, जिसमें आपको कैमरा की बात करें, बैटरी की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, स्टोरेज, रैम सभी कुछ बहुत ही बेहतरीन दिया गया है गाइज। नोटिफिकेशन बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं। तो गाइज आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज इस फ़ोन का जो प्राइस है वो रखा गया है 7,999। गाइज आप लोग ने सुना है 7,999 इसका प्राइस है, यानी कि 8,000 इसका प्राइस है। तो आपको इस फ़ोन का प्राइस कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गाइज 8,000 के अंदर आपको कोई भी कंपनी इस तरह के फीचर्स के साथ फ़ोन नहीं देगा गाइज। आईटेल ही एक ऐसा कंपनी है जो 8,000 के अंदर आपको 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज दे रहा है। अगर आप लोग परचेस करना चाहते तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।